Let's start with some breaking news that's coming from the national capital. A brazen firing has been reported in Delhi's RK Puram area. Two women have been shot at. One of the women at the moment is critical. More details are awaited. This is the latest that's coming from the national capital. My colleague Arvind Ojha is now joining me on the phone line. Arvind, jo video samne aa raha hai, bahut hi brazen sa aisa lag raha hai ki do महिलाओं को इस समय गोली लगी है, उनमें से एक क्रिटिकल है. डिटेल्स अभी भी अवेट की जा रही हैं. नहीं देखिए, अब जो इलाके के डीसीपी हैं मनोज सिंह, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि ये मनी डिस्प्यूट का मामला है और इसी में तकरीबन देर रात फायरिंग हुई है, जिसमें जो दो वुमेन हैं उनको गोली लगी है. दोनों सिस्टर हैं, आपस में उनके बीच रिलेशनशिप है, वो सिस्टर हैं, उन दोनों को गोली लगी है. दरअसल जिन दोनों को गोली लगी है, पिंकी और ज्योति, उसके भाई ललित के साथ मनी का डिस्प्यूट था. कुछ लोग रात में आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें दो सिस्टर है, दो बहनें हैं, ज्योति और पिंकी, उन दोनों को गोली लगी हुई है. ये आरके पुरम का अंबेडकर बस्ती इलाका है, वहां पर ये फायरिंग हुई है. लेकिन अब ऑफिशियल वर्जन डीसीपी साउथ वेस्ट मनोज सिंह की तरफ से आया है कि ये मनी डिस्प्यूट का मामला है. दोनों जो महिलाएं हैं वो क्रिटिकल है. सफदरजंग अस्पताल में उन दोनों को एडमिट कराया गया है. जो इलाके का सीसीटीवी है वो दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, लेकिन फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है जो इंडिया टुडे के पास है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो अटैकर्स हैं वो किस तरीके से अंधाधुन, वहां पर काफी भीड़ है और उसी भीड़ के बीच वो अंधाधुन फायरिंग करते हैं. और शायद इस अंधाधुन फायरिंग में जो दोनों लेडीज हैं उनको गोली लगी है. फिलहाल उनको सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया है. ऐश्वर्या जी, अरविंद, my colleague Arvind Ojha giving us all the details. It seems like this was with regards to a money dispute. Both the women who have been shot at were sisters. More details at the moment are awaited.